नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुका, हर दीन के कुछ अखलाक होते हैं। क्या? हर दीन के कुछ अखलाक होते हैं। वह खुलुकुल इस्लाम अल हया, और इस्लाम के अखलाक में से क्या चीज है? इस्लाम का अखलाक हया है। इस्लाम का अखलाक क्या है? हया है। इब्ने माजा की हदीस, जरा दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि सहाबी अबू सईद फरमाते हैं, कानन नबी अशद हयान मिनल अज़राई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कवारी नौजवान लड़की से ज्यादा हयादार थे। अल्लाहु अकबर। हया सिर्फ औरत की सिफत ही नहीं है, हया मर्द की भी सिफत है। क्या? इस्लाम मर्द की बेहयाई नहीं बर्दाश्त करता, तो औरत की कैसे बर्दाश्त करेगा? मुसलमानों के मुक्तदा और रहबर और रहनुमा का ये आलम है कि अल्लाह के पाक पैगंबर एक कवारी नौजवान लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। और सहाबा फरमाते हैं फ़ैदारा शैअन यकरहुहु अरफनाहु फी वजहिही, नबी करीम जब किसी चीज को ना पसंद करते तो नागवारी के आसार चेहरे पे नुमाया हो जाते। आपकी हया का तो ये आलम है, नबी करीम ने शादी की हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। क्या हुई? शादी हुई, वलीमा के लिए दावत दी, सहाबा आए, खाना खा लिया, जो चीज दस्तरखान पे थी खा लिया, फिर बैठे रहे, बैठ के महफल लगाई हुई, उठ के नहीं जा रहे। नबी अलैहिस्सलाम हया की वजह से बोले नहीं, यहां तक कि वो तो न समझ सके, लेकिन मालिक ने ऊपर से कुरान उतार दिया और फरमाया इज़ा तुम फंतशिरू, जब खाना खा लो निकल जाओ यहां से, तुम मेरे नबी को अजियत ना दो। मेरा नबी तो इतना बाहया है कि आपका बैठना नागवार भी है लेकिन जुबान से कहता कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। हया मर्द की भी सिफत है, हया औरत की भी सिफत है। और जरा आगे भी सुन लीजिए, फरमाया अल ईमानु बिज़ु व सबऊना औ बिज़ु व सितून शोबतन, ईमान 77 या 76 शोबे हैं ईमान के। कितने शोबे हैं? 76 77 शोबे हैं। अफजलुहा कौलुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला शोबा ईमान का अल्लाह की तौहीद की गवाही देना है ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अदना दर्जा ईमान का इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। वल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का शोबा है। हया भी इधर फरमाया, खास करके अलग जिक्र किया है, अदना दर्जा, आला दर्जा और बीच वाला दर्जा, सेंटर वाला दर्जा किसको करार दिया? हया को। और अगली हदीस में तो अल्फाज भी बड़े अजीब हैं, जरा पेश करता हूं, जरा सुनिए। अल हया ओवल ईमानु कुरना जमीआ, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है, अल हया वल ईमानु कुरना जमीआ, हया और ईमान को एक साथ जोड़ दिया गया है। किसको? हया और ईमान को, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। फ़ाइज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़िया अल-आख़रो, जब एक को उठा लिया जाएगा तो दूसरा शोबा खुद ब खुद उठ जाएगा। जब हया को हटा लोगे
तो ईमान भी नहीं रहेगा। ईमान को हटा दोगे तो हया भी नहीं रहेगा। और तीसरी हदीस सुन लीजिए कि हया का फायदा क्या है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया वल हया ला याती इल्ला बिखैर। मुस्लिम की हदीस, अल हया ला याती इल्ला बिखैर, कि हया हमेशा लाती है तो खैर ही लाती है। हया के जरिए हमेशा अल्लाह खैर ही से नवाजता है। और दूसरी हदीस फरमाया अल हया खैरुन कुल्लुहु, अल हया खैरुन कुल्लुहु, हया सारी की सारी खैर ही खैर है। और एक कुर्तुबी दार कुतनी और बहकी की हदीस है, अत तरगीब व तरहीब में भी है, जरा पढ़ने लगा हूं। काल कुन्ना, सहाबी फरमाते हैं हम नबी की मजलिस में थे, फज़ुकिरा इंदहुल हया, तो नबी के सामने हया का तज़किरा किया गया। सहाबा हैं नबी की मजलिस में, तज़किरा हया का किया गया। फकालू या रसूल अल्लाह अल हया मिन अद्दीन, अल्लाह के रसूल क्या हया दीन में से है? हरिपुर वालों सुनिए, क्या हया दीन में से है? फकाल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल हुवा दीन कुल्लुहु, हया दीन में से नहीं बल्कि हया पूरे का पूरा दीन है।